हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे में रफ्तार कहर बनकर टूट रहा है। थाना दनकौर क्षेत्र पर हुए दर्दनाक हादसे में संभल से दिल्ली आ रही एक आर्टिका गाड़ी घने कोहरे के चलते दिखाई न देने पर नहर में जा गिरी। गाड़ी में सवार 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 6 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 5 लोग घायल हो गए, उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। दनकौर स्थित खेलरी नहर में गिरी हुई इस आर्टिका गाड़ी की दशा बता रही है कि हादसा कितना खतरनाक था। पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी में सवार होकर 11 लोग संभल से दिल्ली आ रहे थे। जब ये गाड़ी खेलरी नहर के पास पहुंची, तो कोहरे के कारण विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाया और गाड़ी नहर में जा गिरी, जिसके बाद लोगों की चीख पुकार सुन गांव वाले पहुंच गए और उन्होंने 5 लोगों को गाड़ी से निकाल लिया, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में जो मौत हुई उसमें मृतकों की उम्र 75 साल से लेकर 12 साल तक है। इनके नाम है महेश, किशनलाल, नरेश राम खिलाड़ी, मल्लू और नेत्रपाल। ये सभी जिला संभल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कोहरे के कारण हादसे को दुखद बताते हुए अधिकारी कह रहे हैं कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। गाड़ी आ रही थी, कोहरे में देखा नहीं, गाड़ी नहर में चली गई। फिर नहर में गाड़ी जाने के बाद पानी में बहती रही गाड़ी? पानी में बहती रही, पानी में ऐसे सब लोग देख रहे थे, खिड़की खोली थी, ऐसे पानी जा रहा था, साइड से नहीं था। उसके बाद आदमी कुछ तो निकल गया, कुछ उसमें रह गए। नहीं, आप लोगों की जान किसने बचाई? आप लोगों की, हमारी जान, हम तो अपने ऐसे निकले का सूट पर उसके गाड़ी में निकल गए, आदमी उन्होंने हाथ पकड़ा। फिर देखिए, कल एक अर्टिगा कार जो संभल से आ रही थी, दिल्ली जा रही थी, देर रात्रि में खड़ली नहर क्रॉस कर रही थी, जो थाना दनकौर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे घना कोहरा होने के कारण ये कार नहर में गिर गई और उसमें 11 लोग थे। 11 सभी लोग नहर में ट्रैप हो गए उसमें गिरने के बाद। शोर होने के बाद वहाँ जो स्थानीय लोग थे, उनमें से लोगों ने मिलकर के 5 लोगों को बचा लिया। 5 लोग सुरक्षित बचा करके हॉस्पिटल में भिजवाया गया, लोकल हॉस्पिटल में। उसमें बाकी जो 6 लोग थे वो काफ़ी इंजर्ड कंडीशन में थे। उनको पुलिस भी पहुंच गई थी, तब तक पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर उनको नोएडा के 2 हॉस्पिटल्स में भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई है। ये बहुत ही एक दुखद दुर्घटना है जो मुख्यतः कोहरा के कारण हुई है। इसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी तथ्य सामने निकल पाएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ भूपेश प्रताप, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।